हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आज का ये वीडियो सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि 13/8/2021 को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जांच की जाएगी और जांच में क्या क्या आपको तैयारियाँ कर लेनी है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि ये ICDS का लेटर है, 11/8/2021 यानी कल शाम को ये लेटर जारी किया गया है, जिसकी संचिका संख्या है 3979। प्रेषक हैं अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। नीचे आने पर इस लेटर का विषय दिया गया है, गृह भ्रमण कर ICDS सेवाओं के अनुसरण करने के संबंध में, यानी कि गृह भ्रमण के दौरान ICDS की जो सेवाएं आप लोग दे रही हैं उनका जो निरीक्षण होगा उसके संबंध में यहां पे लेटर जारी किया गया है। नीचे लेटर में आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कि निरीक्षण के दौरान क्या क्या निरीक्षण किया जा सकता है इसके लिए। तो आप उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का ये वीडियो सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी 13/8/2021 को अपने स्तर से तैयारी कर लें। नीचे आने पर दिया गया है, महाशय उपयुक्त विषय सूचित करना है कि दिनांक 13/8/2021 को संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित जिला में गृह भ्रमण कर निम्नांकित निर्देशानुसार निरीक्षण या अनुसरण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि 13/8/2021 को पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच की जाएगी। जैसे कि क्या क्या जांच होगी, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी सेविका के साथ किया जाएगा। यानी कि जांच में CDPO, DPO या महिला पर्यवेक्षिका भी आ सकती हैं, जो कि आंगनबाड़ी के साथ मिलकर उसका जांच करेंगी, आपके क्षेत्र के भ्रमण करेंगी। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिका अपने अपने अधीनस्थों द्वारा भ्रमण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इस निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, जैसे कि माह July 2021 में पौष्टिक सत्तू लड्डू वितरण का सत्यापन करना, पौष्टिक सत्तू लड्डू तैयार करने के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना तथा ICDS की सेवा सभी 6 सेवाओं का जन समुदाय तक पहुंचाया जाना भी है। बात हो कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं लाभार्थियों के बीच जाकर उपलब्ध कराई जा रही है। पोषाहार, सुधा दूध, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवा, OTP सत्यापन एवं पंजीयों का अवलोकन की जानकारी भी लिया जाना है। यानी कि पोषाहार, सुधा दूध, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, OTP सत्यापन, पंजियाँ, यानी कि पंजीयों में THR भंडार, क्रय पंजी और भी बहुत सारे पंजी हैं जिसकी जानकारी ली जा सकती है। और इसके साथ ही MKUY यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, PMMVY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, निकटतम प्राथमिक विद्यालय से आंगनवाड़ी केंद्रों को टैग करने का कार्यों का भी अनुसरण किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और साथ में पोषण ट्रैकर की जो सेवाएँ आप लोग अपने मोबाइल में एंट्री कर रहे हैं और जो निकटतम आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय में टैग करने का जो कार्य चल रहा है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। उपयुक्त भ्रमण का अनुसरण का प्रतिवेदन निम्नलिखित लिंक पर शाम 8 बजे तक अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। ये जो लिंक दिया गया है CDPO और DPO एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए ये लिंक दिया गया है, वो लोग जो गृह भ्रमण करेंगे उनका प्रतिवेदन 8 बजे तक उनको इस लिंक पर अपलोड करना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के भ्रमण हेतु क्षेत्र का आवंटन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। यानी कि CDPO और
एलएस मैम किस क्षेत्र में जाएंगी, इसका आवंटन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही एक और पत्र साथ में संलग्न करके भेजा गया है, जिसमें कि सभी जिलों का नाम दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे दिनांक दिया गया है 13/8/2021 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण या अनुश्रवण हेतु आवंटित जिलों की सूची, तो इसके लिए जो जिला है उनको आवंटित कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है, 38 ज़िले हैं जिनमें कि प्रमंडल के हिसाब से जिलों को आवंटित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जिलों की सूची देख पा रहे होंगे, जिला का नाम दिया गया है, पटना प्रमंडल में ये सभी ज़िले आ रहे हैं। इन सभी ज़िलों में पटना की टीम भोजपुर जा सकती है, नालंदा की टीम गया में जा सकती है। इसी प्रकार से सभी ज़िलों का किसी भी ज़िले के टीम जो कि CDPO और LS मैम है वो किसी भी ज़िले में जाकर निरीक्षण कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी है। आप इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।